वो मेरी तरफ देख रही थी। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि मुझे कोई गिफ्ट करे। ओके, जैसे मैम को पूछा था मैंने, पटाया का एक्सपीरियंस कैसा रहा और कोलैबोरेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो जिया डायमंड के साथ और 24 एफपीएस के साथ आपने किया? लाइक हमेशा मैं काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ। हमेशा मैं काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ, बट ये डिफरेंट मेरे लिए है कैलेंडर शूट, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग विद जिया डायमंड शूट, सो इट्स वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस विद मी एंड ऑलवेज गुड। ओके, जैसे हमने फोटोज में देख रहे हैं और आप लोगों के मतलब बहुत सारे बिहाइंड द सीन भी देखे हैं, हमने बहुत एंजॉय किया था आपने, तो ऐसी कोई याद है जो आप शेयर करना चाहें, कोई फन मेमोरी अगर शेयर करें आप? ऐसी बहुत सारी यादें मैं बताते बताते मतलब पूरा रात निकल जाएगा। ओके, लास्टली जाते जाते आप तीनों से आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जानना चाहूंगा, क्या होने वाला है नेक्स्ट आप लोगों के लिए? वेल आई एम इन टॉक्स विद वन वेब सीरीज एंड अ फिल्म आई हैव ऑलरेडी साइंड, इट्स शूट लंदन में होने वाला है, उसका 15 दिन का शूट है लंदन में। नियाज अंसारी इसके प्रोड्यूसर हैं एंड मनी रेस फिल्म का नाम है, अब्बास मस्तान के एसोसिएट डायरेक्टर ने फिल्म लिखी है एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। अभी 3-4 महीने लंदन में शूट है, सो आई एम गोना मिस इंडिया, ऑलरेडी मिसिंग इट सो। एंड जाते जाते डायमंड्स के बारे में मेरे दिमाग में एक बात आई जब आपने मुझे सवाल पूछा कि आप किसको देना चाहेंगे, तो जो भी डायमंड से जुड़े जो लोग हैं यहाँ पर हैं, जिनका ये ब्रांड है सर का, राजेश जी ने शूट किया है, आई बिलीव डायमंड इज़ अ वेरी प्रेशियस थिंग ऑन अर्थ, राइट? मतलब हम डायमंड को एक स्पेशल नज़र से देखते हैं हमेशा कि एक बहुत प्रेशियस चीज़ है, तो डायमंड हमेशा एक प्रेशियस हमारी लाइफ में जो भी इंसान हो उसे हम ज़रूर गिफ्ट करना चाहेंगे एंड देना भी चाहिए, आप सभी को देना चाहिए, और दैट्स माय वर्डिक्ट फॉर द डे फॉर द डायमंड्स। सर देखिए, सीज़न की अहमियत तभी है जब सारे सीज़न हो, तो एक सीज़न पे अगर मैं टारगेट करूँगा तो दूसरा सीज़न बुरा मान जाएगा। तो इसीलिए मुझे सारे सीज़न पसंद हैं। नहीं, दोनों सीज़न एक साथ भी है। हाँ, तो उसमें क्लैश है, तो वो छोड़ के मुझे बाकी सोलो वाले सारे पसंद हैं। आज जैसे कि मेरी अंतर्ध्वनि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और फेस्टिवल्स में जा रही है, और रिसेंटली मैं Z5 के साथ वेब सीरीज़ करने वाली हूँ, और बाकी कुछ भी होगा, ऑलरेडी मेरी 3-4 शॉर्ट फिल्म भी आ चुकी है और नए प्रोजेक्ट्स बहुत सारे पाइपलाइन में हैं, जब भी होगा तो मैं आप सबके सामने डेफिनेटली रिवील करूँगी। अंतर्ध्वनि के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। एक्चुअली आई डन तमिल मूवीज एंड आई ऑलरेडी डन हिंदी मूवीज एंड लाइक अभी मैं Z5 के साथ भी काम कर रही हूँ, तो अब धीरे धीरे काम चल ही रहा है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच।